तो गाइस हम नीचे की तरफ इसमें देखेंगे तो हमें दो इसमें पैर लेग मिल जाते हैं। आप इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो आप ये खड़ा कर सकते हैं। इसको थोड़ा हाइट पे लेना हो ना तो आप इसको इस तरीके से खड़ा। हेलो गाइस, तो ठंड आ चुकी है, ठंड के लिए मैंने खरीद लिया है एक बजाज का हीटर। इसकी पूरी अनबॉक्सिंग मैं दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं, एडवांस फीचर्स इसमें कुछ दिए गए हैं वो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमें इसका बॉक्स अभी देखने को मिला है, एक खाली बॉक्स है तभी मैं इसको आसानी से उठा पा रहा हूँ। इसमें वेट होता है गाइस, कम से कम 3 से 4 किलो का इसमें वेट होता है। और बजाज की तरफ से बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है हमारी ये बजाज का। अक्सर लोग या तो उषा कंपनी का हीटर लेते हैं या बजाज का लेते हैं। मुझे बजाज पर बहुत ट्रस्ट है, इससे पहले भी हमारे पास बजाज का हीटर था तो मैंने दोबारा से एक नया परचेस किया है बजाज का हीटर, ठीक है। इसमें 2 साल की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। आपके हीटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो कंपनी उसको ठीक करके देती है आपको। और इसकी सर्विस जो है ना गाइस, ये सर्विस का मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको घर आके होम सर्विस मिलती है। घर आके बंदा आपके हीटर को ठीक करके जाएगा, आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं किसी सर्विस सेंटर में या कहीं नहीं, आपको यहीं आके सर्विस करके जाएगा आपके घर पे। तो होम सर्विस अवेलेबल है इसमें दोस्तों। और दूसरा, आपको इसका बिल संभाल के रखना है, जब वो भी कभी आता है सर्विस के लिए तो आपको उसको बिल दिखाना पड़ेगा। तो गाइस ये है हमारा बजाज का हीटर, ठीक है। इसमें ये 2000 वाट का है, आप इसमें स्विच देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको 1000 वाट और 2000 वाट दोनों तरह से कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। इसके अंदर ये इसमें रिंग हॉट रिंग दी गई है ताकि यहाँ से ये मतलब रेड होती है, अगर आप इसको ऑन करेंगे ना तो ये रेड हो जाएगी, यही चीज़ गर्म होती है। इसके अंदर एक फ़ैन भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ, इसमें फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन ये चलता है, ब्लोअर इसका चलता है, तब यहाँ से आपको हीट हवा मिलती है। इसमें लिखा हुआ है डू नॉट कवर, इसको आप कभी भी कवर मत करिए ना, इसके ऊपर कुछ रखिए। अगर आप इसको कवर कर देंगे तो आपका हीटर फूक सकता है गाइस, क्योंकि जब ये फ़ैन हवा नहीं खींचेगा तो आपको हवा आगे से मिलेगी भी नहीं, तो इस वजह से इसको कवर मत कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से आप इसको पकड़ के कहीं भी होल्ड करके आप इसको रख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोनों तरफ इसमें पकड़ने का दिया गया है, और पीछे कुछ इसमें दिए गए हैं। ये देखिए, ये एक 2000 वाट का हीटर है, इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है, बजाज की तरफ से आता है कि इसमें बारकोड भी दिया गया है। आप इस बारकोड को स्कैन करके इसकी और भी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर पाएंगे। और इसकी केबल देखिए, बहुत ही हैवी प्लग हमें मिलता है। ये एक पावर केबल जो हैवी सॉकेट होते हैं ना उसमें ही ये काम करेगा, तो अगर आपके घर में MCB वगैरह लगी है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। ये देखिए गाइस, मेरे घर में जैसे एक सिंगल पावर सॉकेट लगा हुआ है, इस तरीके का सॉकेट आपके घर में भी होना चाहिए तभी ये काम करेगा। और गाइस मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप इसको हॉट पे चलाते हैं, अगर कोई भी इसमें शॉर्ट सर्किट कुछ होता है तो ये ऑटो कट मार जाएगा अपने आप ये अंदर से अपने आप को बंद कर लेगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग वम पे ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती है तब आपको इसको हॉट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका ध्यान रखिए, ज़्यादातर आप इसको इसी पे यूज़ करिए, ठीक है। और आपको ठंडी हवा चाहिए ठंडी ठंडी में तो आप इसको कूल मोड पे भी चला सकते हैं। इसमें तीनों मोड्स दिए गए हैं, तीनों स्विच दिए गए हैं, ठीक है गाइस। तो बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत ही लाइट वेट है, इसका ज़्यादा वज़न भी नहीं है, 2-3.5 किलो का वज़न होगा इसका, ज़्यादा इससे ज़्यादा वज़न नहीं है इसका। तो गाइस हम नीचे की तरफ इसमें देखेंगे तो हमें दो इसमें पैर लेग मिल जाते हैं। आप इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो आप ये खड़ा कर सकते हैं। इसको थोड़ा हाइट पे लेना हो ना तो आप इसको इस तरीके से खड़ा करके आप इसको इस तरीके से नीचे रख सकते हैं। देखिए इसकी हाइट जो है बढ़ चुकी है, आपको नीचे रखना है तो आप नीचे करके रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बहुत ही अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लगा बजाज की तरफ से। तो गाइस इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस जो है 2199 रुपये का, मुझे तकरीबन 2200 रुपये का ये पड़ा है बजाज का हीटर। और इसकी बॉडी जो है बहुत ही अच्छी बॉडी है इसकी, क्या कहते हैं, आयरन बॉडी है इसकी, और बहुत ही मजबूत है ये प्रोडक्ट हमारा बजाज का हीटर। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ये प्रोडक्ट हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो का फेवरेट पार्ट बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों यारों में जिनको चाहिए हो वो जल्दी से इसको परचेस कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।